दिल्ली की आईएनए मार्केट में आग लगी। फास्ट फूड शॉप और रेस्टोरेंट में आग लगने की खबर। आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ी। कुपवाड़ा के जंगलों में भयानक आग लगी। वन विभाग फायर ब्रिगेड के लोगों ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों की लकड़ियां जलकर खाक। दिल्ली में कोचिंग सेंटर हादसे के बाद हरकत में आया नगर निगम। मेयर के आदेश पर देर रात तक 13 कोचिंग सेंटर सील। राजेंद्र नगर इलाके में अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित हो रहे थे कोचिंग सेंटर्स। एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर तारिक थॉमस का बयान, बेसमेंट में बने कई कोचिंग सेंटर्स के सील करने की कार्रवाई हुई। नियमों के मुताबिक कोचिंग सेंटर संचालित होने पर लिया गया था ये एक्शन। दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन। एमसीडी ने हादसे की जांच के लिए गठित की उच्च स्तरीय समिति। मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर आक्रोश। 3 छात्रों की मौत के मामले में आज प्रदर्शन करेगी बीजेपी सरकार के खिलाफ। सुबह 11 बजे सड़क पर उतरेंगे कार्यकर्ता। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक बारिश की वजह से कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरा था। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे थे पुलिसकर्मी, मगर हालात थे बेहद खराब। कोचिंग सेंटर के बाहर का एक और वीडियो आया सामने। इंस्टीट्यूट के बाहर पानी से गाड़ी के गुजरते ही गिर गया था गेट। गेट के टूटने से बेसमेंट में पानी भरने की आशंका। दिल्ली में बेसमेंट हादसे से जुड़ा एक और वीडियो आया सामने। कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर जलभराव से गुजरी थी काले रंग की गाड़ी। फायर डिपार्टमेंट का दावा, पानी के प्रेशर से टूटा कोचिंग का गेट, जिसके बाद यह हादसा हुआ। बारिश होने के बाद राउज आईएएस एकेडमी के बाहर अक्सर हो जाता था जलभराव। कुछ रोज पहले वीडियो में भी कोचिंग सेंटर के बाहर तालाब जैसा माहौल देखा गया। सड़क के ऊपर भरा कई फीट ऊपर पानी। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान, कहा यह जानना जरूरी कि पिछले 9 साल में जलभराव को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या काम किया। आतिशी से मांगा इस्तीफा। दिल्ली एमसीडी हाउस में बैठक आज। कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के मुद्दे पर हंगामे के आसार। सदन के भीतर हंगामा कर सकती है बीजेपी। दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही होगी शुरू। दिल्ली में हुए हादसे को लेकर एबीवीपी से जुड़े छात्रों का प्रदर्शन। मेयर शैली ओबरॉय के घर के बाहर छात्रों ने किया हंगामा। कोचिंग संचालकों और मेयर के खिलाफ छात्रों ने गुस्सा जाहिर किया। कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर के दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन। यूपीएससी अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। हादसे में जांच की मांग की। दिल्ली के कोचिंग हादसे के बाद स्टूडेंट्स का गुस्सा। करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास छात्र छात्राओं ने हंगामा किया। प्रदर्शन के दौरान रोड पर लगा जाम। दिल्ली में हुए हादसे में केरल के रहने वाले छात्र की भी जान गई। कोचिंग सेंटर में तैयारी कर रहा था एनारकुलम निवासी। हादसे की जानकारी के बाद परिवार में मातम। दिल्ली में 3 छात्रों की मौत को लेकर गुस्सा। हादसे को लेकर छात्र छात्राओं का प्रदर्शन। ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों ने किया जमकर हंगामा। कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर के दिल्ली में कैंडल मार्च। एनएसयूआई से जुड़े स्टूडेंट ने कैंडल मार्च निकाला। अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दिल्ली में अवैध लाइब्रेरी पर एक्शन से हड़कंप। कई लाइब्रेरी में पढ़ने वालों पर छात्र परेशान हुए। एग्जाम की तैयारी करने के लिए बैठने की भी जगह नहीं। संसद के दोनों सदनों में आज भी जारी रहेगी बजट पर चर्चा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। करीब 2 बजे बजट पर बोल सकते हैं राहुल गांधी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई। राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर राज्यों के प्रमुख मंदिरों के विकास पर चर्चा। दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में 13 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे मौजूद। विभिन्न विकास परियोजनाओं पर चर्चा हुई। नई शिक्षा नीति, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर मंथन। प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को सलाह। बोले कि केंद्र के गरीब कल्याण योजनाओं में छेड़छाड़ न करें। यूपी विधानमंडल में आज से मॉनसून सत्र का आगाज। लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हो रहे सत्र के हंगामेदार होने के आसार। 2 अगस्त तक चलेगा ये सत्र। यूपी में सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत कई नेता शामिल होंगे। सत्र को लेकर बनेगी रणनीति। अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक। यूपी में माता प्रसाद पांडे को बनाया नेता प्रतिपक्ष। सिद्धार्थनगर की इटवा सीट से विधायक हैं माता प्रसाद पांडे।
उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष बनते ही माता प्रसाद पांडे का बीजेपी पर वार, बोले योगी सरकार ने यूपी का किया विनाश, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर घेरने का बनाया प्लान। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नेता प्रतिपक्ष बनने पर माता प्रसाद पांडे को बधाई दी, कहा अखिलेश यादव ने पिछड़े दलितों को धोखा दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर माता प्रसाद का पलटवार, बोले केशव प्रसाद ने पिछड़ी जाति में जन्म लिया इसलिए वो नेता है और मैं संघर्षों से बना नहीं। एबीपी न्यूज से बोले बलिया के सांसद सनातन पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का विजन है सबको साथ लेकर चलने का, ब्राह्मण और ठाकुर भी पीडीए का हिस्सा। माता प्रसाद पांडे के नेता प्रतिपक्ष बनने पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले, सदन के पुराने सदस्य हैं, उनके नेतृत्व में विपक्ष लड़कर अपनी बात सदन में रखते। आज जंतर मंतर से संसद भवन की तरफ कूच करेंगी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता, 33% महिला आरक्षण विधेयक को लागू कराने की मांग। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में उतरे यूपी के राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति, बोले कि जब संगठन काम करता है तभी बनते हैं सांसद विधायक और सरकार। लोकसभा चुनाव में नतीजों की समीक्षा को लेकर के बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और प्रभारी के साथ आज पार्टी के महासचिव वेणुगोपाल की बैठक। रणनीतिकार प्रशांत किशोर का जन सुराज अभियान, 2 अक्टूबर को बनेगा राजनीतिक दल, प्रशांत बोले बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी हिस्सा लेगी। कांग्रेस नेता उदित राज का प्रशांत किशोर पर हमला, कहा ये रणनीतिकार नहीं है, इनके पास पैसों का भंडार, जन सुराज में लगा दिए सैकड़ों करोड़। पीएम मोदी से मिले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, पत्नी अमृता बेटी भी साथ नहीं, कहा प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर हर बार मिलती है ऊर्जा। महाराष्ट्र में चुनावी हलचल तेज, एमएनएस चीफ राज ठाकरे पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एमएनएस की चुनावी रणनीति को साझा कर सकते हैं। मराठा आरक्षण मामले में मनोज जरांगे का सरकार को दिया गया अल्टीमेटम, खत्म, आज अपनी नई रणनीति का ऐलान करेंगे, कहा कि मुझे मेरे समाज का हित देखना। महाराष्ट्र में पैदा हो सकते हैं मणिपुर जैसे हालात, शरद पवार ने महाराष्ट्र में बढ़ती हिंसा को लेकर आशंका जताई, साथ ही कहा हमारा छत्रपतियों का राज्य है, यहाँ कोई दंगा नहीं होता। नवी मुंबई में एकता परिषद के कार्यक्रम में शरद पवार का बयान, देश में हालात बदलने के लिए हर जाति हर धर्म को मिलकर साथ काम करने की जरूरत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला, कहा घूंघट प्रथा पर तो उनकी जुबान खुल जाती है लेकिन हिजाब और बुरके पर उनकी जुबान नहीं खुलती। केंद्रीय मंत्री बंदी संजय का बड़ा बयान, कहा कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनती है तो चारमीनार के भाग्यलक्ष्मी मंदिर को स्वर्ण मंदिर में बदल दिया जाएगा। हरियाणा की जींद से खाप पंचायत का फरमान, लिव इन रिलेशनशिप सेम सेक्स मैरिज पर प्रतिबंध लगाने की मांग, कहा बैन नहीं लगा तो आंदोलन करेंगे। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमार स्वामी अस्पताल में भर्ती, मीडिया से बात करने के दौरान नाक से अचानक खून बहने के बाद बिगड़ी थी तबियत। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, 21 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार किया था। हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, झारखंड हाई कोर्ट का आदेश निरस्त करने की मांग करेगी ईडी, जमानत मिलने के बाद दोबारा से सीएम बन गए हैं हेमंत सोरेन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई, सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई है याचिका, 2:30 बजे सुनवाई होगी। योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टर्स की याचिका पर आज आएगा फैसला, कोविड पर इलाज के झूठे प्रचार करने का आरोप है, दिल्ली हाईकोर्ट से दोपहर को 2 बजे के बाद फैसला आने की उम्मीद। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी सांसद अफजाल अंसारी से जुड़ी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला, अफजाल के सियासी भविष्य पर भी संकट है, छिन सकती है सांसदी, 2:12 बजे तक फैसला आने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बड़ा हादसा, झूला गिरने से 8 साल के एक बच्चे की मौत, 9 से ज्यादा लोग घायल, पुलिस केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू। लखनऊ में लोहिया पार्क ओवर ब्रिज पर हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी गाड़ी, गाड़ी के ड्राइवर को किसी तरीके से बाहर निकाला गया, तेज रफ्तार हादसे की वजह हो सकती है।
बारिश के मौसम में श्रीनगर के कई इलाकों में पड़ रही है गर्मी। कश्मीर संभाग प्रशासन ने सरकारी और निजी स्कूलों को दो दिन की छुट्टी दी। 30 जुलाई तक कक्षाएं स्थगित। आज से दिल्ली NCR में 60 रुपए किलो की दर से टमाटर बेचेगा NCCF। टमाटर की बढ़ी हुई कीमतों से परेशान लोगों को राहत पहुंचाने की कवायद। महादेव ऐप सट्टेबाजी केस में गुजरात पुलिस की बड़ी कामयाबी। दुबई से लौटा भरत चौधरी गुजरात से गिरफ्तार। 5200 करोड़ का हिसाब किताब मिला। जांच के दौरान बड़े खुलासे होने की भी संभावना। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को जयपुर कंट्रोल रूम में फोन करके जान से मारने की धमकी मिली। दौसा जेल से किया गया फोन। जेल से सर्च ऑपरेशन में 10 मोबाइल बरामद। आरोपी निमो से पूछताछ जारी। पंजाब पुलिस ने जालंधर में सक्रिय ड्रग नेटवर्क से जुड़े 9 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 1,11,000 से ज्यादा नशीली गोलियों के साथ हथियार भी बरामद। टीएमसी नेता गोपाल तिवारी की दबंगई का एक और वीडियो आया सामने। आरोपी नेता की गिरफ्तारी के बाद वायरल वीडियो में पीड़ित से मारपीट धमकी देते नजर आ रहे टीएमसी नेता गोपाल तिवारी। गंगोत्री धाम में रौद्र रूप में बह रही है गंगा। बारिश कम होने के बावजूद बीते 3 दिन से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। शिवानंद कुटीर आश्रम का 90% हिस्सा गंगा में समाया। गंगोत्री धाम में भारी नुकसान। दुकान होटल आश्रम के बाहर बैठे लोग। मंदिर परिसर आसपास के आश्रमों को भी खतरा। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और SDRF के जवान मौके पर तैनात। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पुल पार कर रहे युवक की बाइक बही। पुलिस ने रस्सी की मदद से नदी में बहे युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। घटामाली नदी पर बने पुल को पार कर रहा था। मध्य प्रदेश के कटनी में बारिश के बाद प्रधानमंत्री ग्राम योजना की सड़क बह गई। आने जाने वाले रास्ते बंद हुए। रोड नहीं होने से ग्रामीणों का संपर्क टूटा। मध्य प्रदेश के धार में कारम नदी पर पैर धोने गए किसान का फिसला पांव। नदी के तेज बहाव में बह गया किसान। ग्रामीणों ने मशक्कत कर किसान को बाहर निकाला लेकिन पानी में डूबने से किसान की हो चुकी थी मौत। मध्य प्रदेश के सीहोर में कोलार डैम का जलस्तर बढ़ा। पानी का लेवल मेंटेन करने के लिए डैम के 2 गेट खोले गए। प्रशासन ने लोगों से कोलार डैम के नजदीक नहीं जाने की अपील की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हादसा। नाले के तेज बहाव में बह गया 10 साल का बच्चा। कीचड़ में पांव फिसलने से उफनते नाले में गिरा। मौके पर नहीं पहुंची रेस्क्यू टीम। स्थानीय लोग तलाश में जुटे। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा में कटान से ग्रामीणों में दहशत है। नदी के सामने डर से खुद ही लोग घरों में हथौड़ा चला रहे हैं। ईंट सरिया निकालकर ऊंचाई वाली जगहों पर ले जा रहे हैं। चित्रकूट में पत्थर खदान में पहाड़ धंसने से हुआ बड़ा हादसा। हादसे में एक पोकलेन मशीन और डंपर मलबे में दबकर पोकलेन ऑपरेटर की मौत। छत्तीसगढ़ के कांकेर नदी में बड़ा हादसा टला। पानी के तेज बहाव के बीच ट्रैक्टर से नदी पार कर रहे थे ग्रामीण। बीच नदी में फंस गया ट्रैक्टर। ग्रामीणों ने तैरकर जान बचाई। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बड़ा हादसा। कुसमुंडा कोल खदान में निरीक्षण करने के लिए गए SECL के 2 अधिकारी पानी के तेज बहाव में बहे। एक ने तैरकर अपनी जान बचाई लेकिन दूसरे का मलबे में शव बरामद। महाराष्ट्र के यवतमाल में जमकर बारिश हुई। बैलगाड़ी से उफनाती नाले को पार कर रहा किसान बाल बाल बचा। तेज बहाव में बहने लगा बैल। बैलगाड़ी के पीछे बांधी गई गाय उसका बछड़ा भी नाले के पानी में बहा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। नरसिंहवादी दत्ता मंदिर में भी भरा पानी। लोगों को जलभराव से हो रही है दिक्कतें। लगातार बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव। नवी मुंबई में 3 मंजिला इमारत के ठहरने का लाइव वीडियो सामने आया। CBD बेलापुर में गिरी थी 3 मंजिला इमारत। हादसे का वीडियो सामने आया। हादसे में 3 लोगों की हुई थी मौत। तेलंगाना के आदिलाबाद में करटवाड़ा परियोजना बारिश के पानी से ओवरफ्लो और पानी से निचले इलाकों में पहुंची मछलियां। मछलियों को पकड़ने में जुटे लोग। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश से सड़कें दरिया बन गई। उफान पर नदी नाले। बीते 24 घंटे में 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल जीता। शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु ने ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना लगाया। इस जीत के साथ ही मनु भाकर ओलंपिक इतिहास में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर बनी।